Okay, so now start from here. My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep, or is it free? Ground is very slippery. There is no place to stand. The mind is exhausted, looks for some spot to rest. Ab yaha, now what here the poet wants to say that my feet are cold with water seeping through my shoes. मेरे जो बारिश होने की वजह से मेरे शूज़ में पानी आ रहे हैं, इसके वजह से मेरे जो फीट है वो बहुत ही कोल्ड हो गए हैं, ठंडा पड़ गया है. मेरा पाँव ठंडा पड़ गया है क्योंकि जो बारिश के पानी है वो मेरे शूज़ में से मेरे पाँव में आ रहे हैं. हला ये फेंगे कंपा टंग में आ रहा पिंज दिनों. माई आईज आर हैवी विथ स्लीप और इज इट फीवर. अब वो पूछ रहा है मेरे आंखें ऐसे इतने हैवी हो रहे थे, मिक भारी भारी छचिस लेना था, आंखें बारी बारी होना, या ये क्या ये स्लीप की वजह, स्लीप पूरा नहीं हुआ है, नींद कंप्लीट नहीं हुआ है इसकी वजह से है, या मुझे कोई फीवर है. तो ये पॉइंट यहाँ पे सोच रहा है क्योंकि पॉइंट पूरा डिप्रेस में है, टेंशन में है, तो उसको ये सब चीज़ फील हो रहा है. ठीक है ना, उसके पाँव में, उसके जो पाँव है उसमें बारिश की वजह से पानी आ रहे हैं शूज़ में, है ना, शूज़ के अंदर पानी घुस रहे हैं, तो उससे उसको ठंड लग रहा है. और उसकी जो आई से वो उसको हैवी है क्योंकि उसका नींद या कंप्लीट नहीं हो रहा है या उसको फीवर है. ठीक है, द ग्राउंड इज़ वेरी स्लीपरी, और जो ग्राउंड है वो बहुत ही स्लीपरी हो गया है. मीन्स डचेस तो सोते दूजनों, हला यहाँ पे फिसलने की टेंशन जैसा है उस ग्राउंड पे क्योंकि पानी पानी है, तो यहाँ पे गीला है, तो फिर ये ग्राउंड स्लीपरी हो गया है. देयर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड, एक ऐसा कोना भी नहीं है जहाँ पे वो आराम से खड़े हो पा सके. ठीक है, द माइंड इज़ एग्जॉस्टेड, लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट. अब माइंड भी एकदम बिल्कुल टाइट हो गया है, पर ना छे तो क्या दोनों, इसलिए एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं रेस्ट कर सकूँ, दोनों स्पॉट टू रेस्ट. लूज ऑफ होप हैज ड्रैगन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू. ये जो होप जो लूज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, इसकी वजह से मेरी लाइफ भी इस इवनिंग की तरह अंधकार में जा रहा है. ठीक है, लूज ऑफ होप एंड हैज़ ड्रैकन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू. ये जो इवनिंग अंधकार है ना, इवनिंग मुंडिक सोतो क्या, ड्रैकन ड्रैकन मीन्स, ड्रैकन मीन्स मुंडिक सोतो नो पहला. ये जो इवनिंग है वो एकदम ड्रैकन हो गया है, ये जो इवनिंग है एकदम अंधेरा हो गया, इसी तरह मेरी जो होप है वो भी इस इवनिंग की तरह हो गया है, अंधेरा छा गया है मेरी होप में, क्योंकि जो भी होप अभी तक मुझे था अपने लाइफ से वो भी अब ख़त्म हो रहा है, लूज़ हो रहा है. ठीक है, अब मुझे किसी भी होप पे, अब मुझे किसी के ऊपर कोई भी होप नहीं है, अब मुझे कोई भी होप नहीं है, हला भरोसा नहीं है, जिसका जो नुकसान है. तो यहाँ पर तो सो फिर वो कह रहा है कि अब मुझे कोई भी भरोसा ही नहीं है. ठीक है ना, तो उसका और जो होप है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ठीक है, होप हैज़ डार्कन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू. ठीक है, देन यहाँ पे बोल रहा है, फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं, एक मिनट. लूज ऑफ होप हैज़ डार्कन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन माई माइंड शेड टियर एस दे पास. और जो क्लाउड्स है उसके वजह से क्या हो रहा है, जो मेरे माइंड में जो क्लाउड्स जो गेदिंग जहाँ शिन समा जगह चिकचिका युवा चिन छपा बापसा नुक पहाला. इसी तरह जब पूरे जो क्लाउड्स होते हैं एक जगह पे आते तो बारिश गिरते हैं ना, तो इसी तरह उसकी आँखों में भी पूरे क्लाउड के क्लाउड जैसे उसकी आँखें में भी टीयर्स भर गए हैं. मिकी ना छीमा गाँस तो क्या जानो, उसकी आँखें टीयर्स से भर गए हैं. ठीक है, क्योंकि उसके लाइफ से अब उसको होप नहीं है बिल्कुल, उसका जो लाइफ है वो भी इवनिंग की तरह डार्क हो गया है. दैट्स वाई ही लूजेज द होप एंड ही कंपेयर हिज लाइफ विद दिस इवनिंग विच इज़ ऑलरेडी डार्कन. ओके, एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास. और उसकी आँखों से क्लाउड्स जब एक जगह पे आते तो बारिश गिरते हैं ना, इसी तरह उसकी आँखें में भी टीयर्स बहुत मिक्छी में ना गाँस दुख जनो, उसकी आँखों में पूरा टीयर्स ही भरा हुआ है. द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स माई कंपेनियन इज ऑल्सो डिप्रेस एंड टेक मी अलॉन्ग होल्डिंग मी बाई द आर्म्स. यहाँ पर क्या कह रहा है, एन इवनिंग सॉरी द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, ये जो इवनिंग क्या है, ट्रबल है ना, टेंशन है, डिप्रेस है. माई कंपेनियन इज ऑल्सो डिप्रेस, कंपेनियन ये किसको बोल रहा है यहाँ पे, पॉइंट इवनिंग को कह रहा है, इवनिंग को, ये जो शाम है ना, ये शाम को वो कंपेयर कंपेनियन कह रहा है, ये जो शाम है, ये जो इवनिंग है, इवनिंग कंपेनियंस है ना, इवनिंग इज ऑल्सो डिप्रेस, मेरी तरह ये जो इवनिंग है वो भी डिप्रेस में है, टेंशन में है. एंड टेक्स मी अलॉन्ग होल्डिंग मी बाई द आर्म्स, और ये जो इवनिंग है वो मुझे अपने साथ लेके जा रहा है मेरे हाथों को पकड़ के. यहाँ पे जो पॉइंट है, ही कंपेयर्स हिज लाइफ, ही कंपेयर हिज लाइफ विद दिस इवनिंग बिकॉज हिज लाइफ इज ऑलरेडी इन डार्कन. ओके, सो ही लूजेस ऑल हिज होप्स, ही इज अलोन फ्रॉम द चाइल्डहुड स्टिल नाउ.
Sonic. Till now, he's alone from his child. He's alone from his childhood till now. Now he loses all his hope. So that's why he compares his life with evening, because this evening is also a dragon due to the rain. Okay, na. तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको. फिर यहाँ कह रहा है कि जो इवनिंग है वो मुझे अपने साथ होल्ड करके, मेरे आर्म्स को होल्ड करके अपने साथ लेके जा रहा है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे स्टेंजा है. इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माय कर्टयार्ड एंड वेव्स ऑफ एयर ब्राउट द साउंड ऑफ सिंबल्स. इन चाइल्डहुड, जब बचपन में आई स्टूड अलोन माय कर्टयार्ड, व्हेन आई एम अ चाइल्ड मैं अपने कर्टयार्ड में, अपने इस आंगन में, कर्टयार्ड जितना आंगन जितना ले अकेला खड़े होके, एंड वेव्स ऑफ एयर ब्राउट द साउंड ऑफ सिंबल्स, जो हवा चलता था, जो सिंबल्स में डाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनों पर, जिसको हम अपने घर की छतों पर लगा के रखते हैं ना, जब हवा आते हैं तो वहाँ पे अच्छे म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट इन हुई है, वहाँ पे हवा आते तो उस हवा उसको टकराने के वजह से वहाँ से अच्छे म्यूजिक निकलते हैं, मींस साउंड निकलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट अपने जो चाइल्डहुड था उसको याद कर रहा है कि जब वो अकेले आंगन में खड़े होकर इस सिंबल को, वो इस सिंबल की आवाज़ को सुनते हुए उस चीज़ को वो याद कर रहे थे. ठीक है, हाँ, उस टाइम पे जब मैं बचपन में अकेला कोर्टयार्ड में खड़े होके इस उस सिंबल की आवाज़ को मैं सुनता था, ऐसा वो याद कर रहा था. वी रिग्रेट दैट द डेज गोन बाय डोंट रिटर्न एंड हाउ टू कॉल बैक टाइम पास्ट एंड गोन. वी यहाँ पे रिग्रेट फील सचेस लेना था, है ना, कि मैं अब रिग्रेट फील कर रहा हूँ क्योंकि जो टाइम था हमारे पास वो निकल गया है, उस टाइम को हम वापस कभी नहीं ला सकते हैं. वी रिग्रेट दैट द डेज गोन बाई डोंट रिटर्न, जो टाइम चला जाता है उसको हम कैसे बुलाएं, हाउ टू कॉल बैक टाइम पास्ट एंड गोन, जो टाइम चला गया उसको हम कैसे वापस लाएं. ठीक है, देन उसके बाद है नेक्स्ट स्टैंजा में, द इवनिंग प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट स्लोली सॉफ्टली जस्ट एज द स्काई फीट टच द ग्राउंड शेडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंग एज सम पासिंग क्लाउड्स कास्ट अ शेडो ओवर हिल्स. मतलब क्या है, जब ये इवनिंग आप प्रिपेयर हो रहा है टू गो टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट, अब अंधेरा हो रहा है, इवनिंग के बाद अब रात हो जाता है ना, नाइट होता है ना, तो अब इवनिंग के बाद नाइट हो रहा है. अब नाइट होते होते क्या हो रहा है, धीरे 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 ये जो इवनिंग है ना वो नाइट की तरफ जा रहा है, स्लोली सॉफ्टली जस्ट द स्काई, जैसे कि जो स्काई है वो ग्राउंड के साथ टच हो जाता है, मीन्स अंधेरा छाचे जाते नोले एक, मतलब जो स्काई और जब रात होते जाते तो हमें कुछ नज़र नहीं आता है ना, तो हमें कैसा लगता है, स्काई फिट द ग्राउंड, फिट टच द, जो स्काई के जो पाँव है वो ग्राउंड को टच कर रहा है ऐसा लग रहा है. ठीक है, शेडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक, जो ट्रीज के शेडोज थे वो भी अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, रात को वहाँ दिखाई देंगे, है ना. एंड एज सम पासिंग क्लाउड्स कास्ट ए शेडो ओवर हिल, और जो शेडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक, जो ट्रीज के शेडो से वो अंधेरा हो जाता है, और जो क्लाउड से उसके जो शेडो से वो हिल पे आ जाते हैं, जो क्लाउड से गता है शेडोज उन्होंने पर त्योरी का फोकदूक जरा नो हला. तो यहाँ तक पॉइंट का